जनपद रुद्रप्रयाग में आजकल अलग अलग गांव में पांडव नृत्य के भव्य आयोजन चल रहे हैं। मान्यता है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग के लिए गए थे तो जनपद रुद्रप्रयाग यानी केदारखंड होते हुए गए थे, तब से यहां के लगभग सभी गांव में पांडव को पूजा जाता है। वहीं रुद्रप्रयाग मुख्यालय के पुनाट गांव में भी आजकल 4 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पांडव नृत्य का आयोजन चल रहा है, जिसमें दिन और रात पांडव के पशुआ अपने अपने देवभक्तों पर अवतरित होते हैं और नृत्य करते हैं, साथ ही देव निशानों अस्त्र शास्त्रों को नचाते हैं। क्षेत्र की जनता पांडव से आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रही है। वहीं देव पशुआ विजय कप्रवाण, सुनील नोटियाल आदि कहते हैं कि वर्षों पुरानी पांडव नृत्य प्रथा को हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं। हर दिन पांडवों को अलग अलग तरीकों से पूजा और नृत्य किया जाता है। 22 दिसंबर को गेंडा नृत्य होगा, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 25 दिसंबर को मोरू डांडी कौथिक का आयोजन, साथ ही फल वितरण प्रसाद वितरण के बाद पांडव नृत्य का समापन भी होगा। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पांडव जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उनको लगा कि हमारे द्वारा कई चाहे ब्राह्मण हो चाहे उनके पुत्र पोते नाती सब जब रण में मारे गए, उन पे ब्रह्म हत्या उन पे लग गई थी, तो उसके पश्चाताप के लिए वे इस केदारखंड में आए। और इतिहास इस प्रकार से भी बताता है कि वे रुद्रप्रयाग के संगम जो तट है, अलकनंदा मंदाकिनी का तट है, उस तट पे उन्होंने स्नान किया और उसके बाद इस केदार खंड में उन्होंने जो उनके अस्त्र शस्त्र थे विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उनके अस्त्र शस्त्र उन्होंने यहाँ के लोगों को सपुर्द किए और उसी कारण जो है इस केदार खंड में इस पांडव नृत्य का आयोजन विभिन्न स्थानों पर केदार खंड में होता है। शुरू हुआ 8 तारीख को बाणों का कौथिक यहाँ पर शुरू हुआ और 22 तारीख को गैंडा सिरोता होगा, 23 तारीख को गंगा स्नान के लिए पांडव जाएंगे और 24 को एक सिरोता हाथी सिरोता जो बोलते हैं वो होगा और 25 तारीख को मोर की डाली यहाँ पर स्थापित होगी। यहाँ की दिशा ध्यान यहाँ के क्षेत्र की आम जनता भारी संख्या में आती है और भगवान कृष्ण से उस पेड़ उस मोर की डाली से प्रसाद लेकर यहाँ से जाती है। सर्वप्रथम आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ये पांडव नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं उनको लाइव दिखा रहे हैं और हमारी जो पांडव नृत्य एवं शिव समिति है उसके तत्वाधान में यहाँ पर 4 तारीख से पांडव नृत्य का शुभारंभ हो चुका है और 22 तारीख को यहाँ पर सिरोता होता है, एक जिसमें कि गैंडा रात भर नृत्य होता है और एक दृश्य दिखाया जाता है उसमें कि अर्जुन अपने पिताजी के जो श्राद्ध के लिए एक गैंडा होता है उसके खगोती लाने के लिए नागलोक में जाता है।